should we render the uh, stem with the reverb or without the reverb uh, and uh, keeping in mind that that reverb is put as per the sound design basis, not in the full mix or something like that like agar maine koi plug use kiya aur wo plug mujhe bahut dry lag raha hai irrespective ki main usko pure stems ke sath na bajau but agar main solo bhi sunu usko to bahut zyada dry lag raha hai so i put a delay or a reverb little bit of it just on a sound design perspective है, so should i remove it

काफ़ी साउंड्स में पियानो वगैरह में यू ऐड अ बिट ऑफ रिवर्ब तो नाउ ही इज आस्किंग कि मिक्सिंग करते वक्त क्या हमें रिवर्ब हटा के उसको एक्सपोर्ट करना है स्टेम्स को फ्रेश मिक्सिंग के वक्त डालना है या कैसे ट्रीट करना है तो आई टेल यू वन थिंग जब भी मैं मिक्स करता हूँ गाने मैं स्क्रैच मंगवाता हूँ सबसे पहले बिफोर फाइनलाइजिंग द बजट स्क्रैच सुनने के बाद मैं आर्टिस्ट को यही बोलता हूँ इफ़ आई लाइक द एफेक्ट्स जो उन्होंने यूज़ किए हुए हैं मैं उन्हें बोलता हूँ मेरे को एफेक्स भी रेंडर करके दो लेकिन साथ नहीं डिफरेंट जो आपकी ऑक्सेज होती है ना बसेस होती हैं सेपरेटली रिवर्व की बसेज दो मेरे को सो दैट आई हैव द ड्राई साउंड ऑल्सो आई है रिवर्व ऑल्सो मेरे को आपका रिवर्व यूज करना है तो मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा कुछ मॉडिफिकेशन करनी है क्लीन करना है रिवर्व को तो वो भी कर सकता हूँ बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप खुद भी प्रोड्यूस मिक्स मास्टर कर रहे हैं तो कभी भी प्रोडक्शन के बाद स्टेम्स को एक्सपोर्ट रिवर्व के साथ ना करें एक ही ट्रैक में रिवर्व को सेपरेटली करेंट सर जैसे आपने एक वीडियो बनाया था फेजिंग इशू पे उसने आप, हाँ. आप, आप, आपने उसमें दो बेस लाइन को कैसे फेज इशू फिक्स करना है वो दिखाया था बट hmm. सर जैसे कुछ हम सैम्पल पैक्स यूज करते हैं उसमें क्या होता है जैसे हम स्पैन वगैरह डाल के देखते हैं ना तो उसमें फेजिंग इशू रहते हैं मोस्टली पैक्स में साउंड ऑफ कश्मीर के भी कुछ पैक्स में चेक कर रहा था उसमें भी थी hmm. तो सर उसको हम किस तरीके से फिक्स करें क्योंकि फिर वो अगर उसमें एक लूप में मान लो फेज इशू है मैंने एक एटमोस्फेरिक लूप यूज करा hmm. उसमें बहुत फेज इशू मेरे को दिख रहा था तो सर उसको कैसे फिक्स करेंगे जैसे कोई मेलोडी लूप्स भी करते हैं उसमें भी बार बार ना लेफ्ट साइड में जाता रहता है एरो करेक्ट उसके लिए एक चीज़ कर सकते हो विथ रिड्यूस उस सैंपल की इमेजिंग है वो रिड्यूस कर दो सेकेंड थिंग मोस्टली वो पता है लेफ्ट में क्यों जाता है वो जाता है एक्सेस रिवर्ब की वजह से क्योंकि उनमें रिवर्ब्स वगैरह बहुत डले होते हैं सैम्पल्स में तो रिवर्ब कम कर दो अब एक ऑडियो फाइल में से रिवर्ब कैसे कम कर सकते हैं कोई बता सकता है मेरे को चैट में अगर आपके पास एक लूप है एक सैंपल पैक से आपने डाउनलोड किया है विद रिवर्ब एंड यू वॉन्ट टू रिड्यूस द रिवर्ब तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे थोड़ा सा रिवर्ब कम किया जा सकता है उसमें uh, वैसे आजकल

थोड़ा सा लो एंड वो रिवर्ब को जैसे ही आप कम करोगे जितना ड्राई होता रहेगा ना आपका सैम्पल उतना ही सेंटर में आता रहेगा वो कोरिलेशन मीटर और ओ, दूसरा तरीका तो वही है वर्थ कम कर दो इज इट लाइक और जो आपने बताया था प्लेट रिवर्ब इट्स लाइक वाट इज दैट लाइक कोई uh, उसका कोई अलग प्रकार का स्ट्रक्चर लाइक रूम साइज बड़ा है या छोटा ऐसा कुछ है उसका वेरी नाइस प्लेट बेसिकली रूम है ही नहीं प्लेट रिवर्ब इज द ओनली रिवर्ब रिवोविच इज टू डायमेंशनल आपके रूम रिवर्ब चेंबर्स ये सब थ्री डी है थ्री डायमेंशनल है

मैं आपको दिखाई देता हूँ प्रैक्टिकली देख लेते हैं ज्यादा बेटर है इस चीज को ये देखो एक नॉर्मल कंप्रेसर में डाल देता हूँ कंप्रेसर में ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ आता है यहाँ पे बना हुआ सबको दिख रहा है अभी इस वक्त स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा जैसा इनपुट सिग्नल आया वैसे ही आउटपुट निकल गया एज अ प्रूफ ये देखो रेशियो okay. कितना है one. और one okay. का मतलब No compression. Right. है right. है है, है। कि नहीं? नहीं, नहीं नहीं। नहीं पे होता होता। मैं मैं कितना भी बढ़ा कम कर कुछ फरक पड़ेगा? ही नहीं. नहीं क्योंकि one to one ratio है. अब जैसे-जैसे देखो, बढ़ाता क्या होता रहेगा है? Right. है ना? एक point है. से झुकनी शुरू हो गई ऑडियो सो so, ये पॉइंट लगभग माइनस दस के आसपास दिख रहा है तो ये पॉइंट माइनस सेवन So, जितना थ्रेश होल्ड बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा ये बताएगा कहाँ से रिडक्शन चालू होगा जल्दी okay. ये आपको, तो गेन okay. तो गेन मुझे सर यह ये ये तो... okay. बढ़ाता गया रिडक्शन जल्दी चालू हो गई है ना ऑडियो okay. सिग्नल अच्छा खासा जा रहा था सीधा सीधा यहाँ पे आके रिडक्शन शुरू हो गई एंड जितना कम रेशियो उतना कम रिडक्शन जितना ज्यादा रेशियो उतनी ज्यादा रिडक्शन नाउ मेन yeah. बात ये थी ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनी थी स्ट्रेट लाइन पे लिखा था वन इज टू वन क्योंकि कुछ ना कुछ कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे क्योंकि आउटपुट सिग्नल झुका है रिड्यूस हुआ है. तीसरा केस right. था कुछ ऐसा दिखने वाला ये अभी भी ध्यान से देखो फ्लैट नहीं हुई लाइन बट तीसरे केस में फ्लैट ही बनाई हुई थी

बहुत सारे दो दो चार चार टीबी का डेटा लेके ले लिया मतलब खरीद लिया बेसिकली उसको mm -hmm. बहुत मिलते हैं डेटा वगैरह लेकिन यूज नहीं किया कभी उसको तो इसीलिए इट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप जाओ काफ़ी स्टूडेंट्स तो मेरे पास आते हैं पहले फॉर्मेट करते हैं सिस्टम ना क्योंकि उनको रियलाइज़ होता है ये देखो पाँच हज़ार छः हज़ार जो प्लग इन्स हैं हम ट्राई भी नहीं करने वाले हैं सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच फंडामेंटल समझो सिलेक्टिव चीज़ें देखो इंटरव्यूज़ पढ़ो आपको दिखते रहेंगी चीज़ें सामने क्या क्या यूज़ हो रही है ट्राई टू वॉच देयर वीडियोज़ यूटिलिटी है खरीद लो ट्रायल वर्जन लेके देख लो इफ इट्स वर्किंग फॉर यू देन परचेज दैट प्लग इन इफ़ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू छोड़ दो सामने वाला यूज़ कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी यूज़ करो हम सब आपस में यूनिक हैं दैट इज़ वॉट मेक्स ऑल ऑफ अ स्पेशल हमारे मिक्सर्स अलग होते हैं एक दूसरे से किसी का अच्छा बुरा नहीं है अगर आप दुनिया के दस बेस्ट मिक्सिंग इंजीनियर्स को एक ट्रैक भेजोगे तो वो दस्ट दस बेस्ट मिक्सिस बनाएंगे उस गाने के हो सकता है किसी के गाने में आपको कुछ अच्छा लगे किसी के मिक्स में कुछ अच्छा लगे वोकल्स uh, पे क्या ऑन द सिमिलर टाइम लाइक कंप्रेशन यूज़ कर सकते हैं लाइक लाइक एक कंफ्यूजन है कि चेन कैसा चेन होना चाहिए लाइक like, बेसिकली कभी कभी ई क्यू डाल दिए उसके बाद रिवर्व डाल लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि पहले मैं रिवर्व डाल दूँ फिर ई क्यू करूँ सो क्या चीज़ यूज़ होना लाइक like, अगर मैं ई क्यू यूज़ करूँगा तो उसमें लाइक like, uh, जो रिफ्लेक्शन वगैरह होते हैं तो वो कभी बढ़ जाता है तो लाइक वाट शुड बी द प्रॉपर चेन Like देखो ऐसे प्रॉपर स्पेसिफिक रूल नहीं है बट अगर मैं प्रोसेसिंग वाइज इफेक्ट्स की कंप्रेशन इन सब की बात करूँ रिवर्ब, रिवर्ब, तो क्या है नॉट ओनली कह सकते हो सॉर्ट ऑफ हाइड कर देता है काफी चीजों को बिकॉज ये चीज आपने नोटिस की होगी ना सबसे कॉमन एग्जाम्पल बाथरूम में गाते हैं अच्छा क्यों लगता है क्योंकि रिवर्ब गलतियां छुपा देता है यस yes. जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलते हैं अच्छी नहीं लगती अपनी आवाज क्यों क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें वो हाइड कर देता है जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू हेयर क्रिटिकल थिंग्स मे बी कोई मर्ड हो गई कोई रेजोनेंस हो गई तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा इफेक्ट्स को बाद में अप्लाई करो सबसे पहले ई क्यू कर लो अपने ट्रैक को बैलेंस कर लो क्लैरिटी आ जाए उसके बाद जंप टू द रिवर्व पार्ट बाकी वोकल yeah. चेन की अगर बात करें ऐसा कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं होता कोई ट्रैक होता है जिसमें डायनेमिक्स ज़्यादा अन होते हैं तो पहले आप कंप्रेसर अप्लाई करते हैं तो कोई ट्रैक होता है जिसकी टोन अच्छी नहीं होती वहाँ पे आप ई पहले करते हैं

उसके बाद आई लेफ्ट चार पाँच साल से गिटार नहीं बजाया आज सच बट एक टाइम था वैन आई वॉज यू नो जस्ट प्रैक्टिसिंग स्केल्स ऑन मेट्रोनोम डिफरेंट स्केल्स डिफरेंट प्रोग्रेशन शेप्स प्ले करता था hmm. तो म्यूजिशन अच्छा बनने के लिए आपको टाइम देना है पहले म्यूजिक थ्योरी पक्की करनी है आफ्टर दैट इम्प्रोवाइजेशन आती है